हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल फॉर योर एग्जाम्स. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस. मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू विद लॉट्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ्स. वेलकम टू टुडेज रिविजन सेशन. एंड आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका CMA फाइनल ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 एज पर द न्यू स्टडी मटीरियल 2022 एडिशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसका सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 13 एज पर योर मॉड्यूल एज पर योर न्यू स्टडी मटीरियल विच इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अगेन अ प्योरली थ्योरी कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कि हम ये पढ़ने वाले कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है, किस तरीके से बैंक्स वगैरह में ऑडिट होता है, जितने भी हमारे डेटाबेस होते हैं, अब हर चीज इतनी ऑनलाइन हो रही है, देन फॉर दैट सिक्योरिटी पर्पस हम किस तरीके से क्या ऑडिट करते हैं, किस तरीके से हम क्रिटिकली अपने पाथ को एग्जामिन करते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके अपना जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग कर सकते हैं, अपना जो IT डिपार्टमेंट है उसको कैसे हम कोई भी डिफेक्ट से, कोई भी फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर इनकेस कुछ हो जाता है तो फिर क्या क्या हम उसमें से फाइंडिंग्स कैसे निकालते हैं. तो इसके अंदर हम पूरा यही सब पढ़ने वाले हैं एंड प्योरली थ्योरी चैप्टर है. एंड जितने इंस्टीट्यूट ने इसको मार्क्स अलॉट किए हैं 5%, तो आई थिंक फॉर 4 to 5 मार्क्स की ये वेटेज रखता है आपके एग्जाम में. एंड मैनेजमेंट ऑडिट, देन मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, एंड देन ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडिट्स, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो अगर आपने चैनल पर वो वाली वीडियोज नहीं देखी है देन डू वॉच दोज वीडियोज एज वेल, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो येस, वहां से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं. अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा आप लाइटर साइड पे रख सकते हो. एंड सी यू नो दैट वी आर नॉट द पेपर सेटर्स, सो वी डोंट नो कि इंस्टीट्यूट कब आपसे क्या पूछ ले, बिकॉज मॉड्यूल के अंदर तो सब कुछ ही दिया हुआ है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटी सी चीज से पूरा पेपर ही सेट कर देते हैं. सो येस, बट आई अश्योर यू कि ये वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे एंड 2-3 times अगर आप देख लोगे तो आपको इजीली सारा कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ में आ जाएगा, सो दैट इन केस इफ क्वेश्चन कम्स देन यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड यू कैन फ्रेम द आंसर्स योरसेल्फ एंड ग्रैब गुड मार्क्स. सो यस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके मेल से मांग सकते हैं. स्ट्रिक्टली एज पर योर न्यू स्टडी मटीरियल ही ये नोट्स बने हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? चलिए देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है. ये आपकी मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट. सबसे पहले इसके अंदर आपको यही बताया गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है. ऑडिट जहां पे भी है तो ऑडिट का मतलब हमें पता है कि ऑडिट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. तो ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है उसको असेस करने का. उसके पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी लूप होल्स तो नहीं है जिससे कि कोई डेटा लीक होने के चांसेस है, एंड आपका डेटा बेसिकली कितना सिक्योर है, क्योंकि हम लोग अभी जिस भी इन्वायरमेंट पे है दैट इज ऑल डिजिटलाइज्ड. वी आर लिविंग इन अ वेरी यू नो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पे की टेक्नोलॉजी तो मतलब इट्स ग्रोइंग एट सच अ फास्ट स्पीड. तो इसीलिए हमें भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिए हम कितने वेल वर्स हैं, कितना हमें सब कुछ आता है, किस तरीके से हम अपने फंक्शंस को, अपने सिस्टम्स को डिफाइन कर रहे हैं जिससे कि हमारे सारा डेटा जितना भी है वो सब सिक्योर रहे, हमारी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एंड हैविंग सेड दैट हमारे सारे के सारे डेटा सिक्योर भी रहे. ठीक, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स का, एक्टिविटीज का और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का. इससे कि आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ता है. ऑडिट करा रहे हो आप, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो रहा है, थर्ड पार्टी से कोई आपको क्रिटिकली आपके पाथ को एग्जामिन करके आपको सारे के सारे लूप होल्स बता रहे हो, तो आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं मेथड्स. तो इससे येस, ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होगा. एंड अवॉइड इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिजाइन और आपकी एफिशियंसी इंक्रीज होती है. IT सिक्योरिटी ऑडिट्स जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करते हैं. किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम चेक कैसा है, कितना स्ट्रांग है, कोई डेटा लीक तो नहीं हो रहा, एंड यस कोई वीक स्पॉट्स है या नहीं, कौन से एक्शंस हैं जो आप ले सकते हो जिससे कि ये सिक्योरिटी फ्लो आपका ठीक से रहे, और क्या कोई यूजलेस प्रोसेसेस, मतलब कि आपने अपने, यू आर थिंकिंग दैट सर्टेन सीरीज ऑफ स्टेप्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर IT सिक्योरिटी एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड योर सिक्योरिटी, बट इन रियलिटी इसका ऑपोजिट हो रहा है
कि वो सारे प्रोसेसेस जो है वो बिन बात के बस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा लंबा आपके प्रोसेस को कर दिया, बट इन दी एंड दे आर नॉट बेनिफिटिंग यू इन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी पर्पस, तो ये चीज भी चेक हो जाती है कि कोई यूजलेस प्रोसेस तो नहीं है. देन वी हैव द स्टेप्स इन आईटी सिक्योरिटी ऑडिट. आईटी सिक्योरिटी ऑडिट में हमारे कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं हमारे. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन करना है अपनी ऑडिट का. बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अगर आप ये लेक्चर ही 2-3 टाइम्स देख लोगे, रिविजन वीडियो ये वाली, तो उससे भी काफी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे. ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन करने हैं, ऑडिट को प्लान करना है, ऑडिट का काम परफॉर्म करना है. यस, प्लानिंग के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर डिटरमाइन कर दिए, देन आपने प्लानिंग कर ली, देन उस प्लानिंग के लिए एग्जीक्यूशन, तो वो आपका परफॉर्मिंग द ऑडिट हो गया. एंड देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, आप जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई वो आप बताओगे, और नेसेसरी एक्शंस, जो भी आपकी फाइंडिंग्स में डेफिशिएंसीज आई है, लूप होल्स आए, उनके लिए यू विल टेक द नेसेसरी एक्शन. तो ये पूरे 5 स्टेप्स हैं आपकी ऑडिट प्रोसेस के. सबसे पहले बहुत ही बेसिक जनरल स्टेप्स हैं ये, हम कभी ना कभी हमने किसी और टाइप के ऑडिट में भी ये सारे स्टेप्स पढ़े ही हैं. वेरी बेसिक एंड वेरी जनरल, कि सबसे पहले आप प्लान करते हो, देन आप सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो, देन आप प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, अपनी अपनी फाइंडिंग्स को राइट डाउन करते हो, एंड देन उसके बाद जो भी लूप होल्स होते हैं उनके लिए आप एक्शन, करेक्टिव एक्शन प्लान्स लेते हो, राइट. देन हमारे पास ये आता है, एक दो टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन है, सिक्योरिटी ऑडिट वर्सेस रिस्क असेसमेंट. सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली यू माइट थिंक दैट टू वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट ये सिक्योरिटी ऑडिट इज अ डिफरेंट टर्म एंड इट मीन्स समथिंग डिफरेंट, एंड रिस्क असेसमेंट इज अ डिफरेंट टर्म एंड हेंस द मीनिंग ऑफ इट इज वेरी डिफरेंट टू दैट ऑफ अ सिक्योरिटी ऑडिट. सिक्योरिटी ऑडिट का बेसिकली मतलब होता है कि आपके पास रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, और आप ये देख रहे हो कि करंट सिस्टम में आपकी सिक्योरिटी किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके की आपकी सिक्योरिटी फंक्शंस हैं, आप अभी फिलहाल किस पेस पे हो. एंड रिस्क असेसमेंट जो है वो कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी अगर आप सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हो, तो एक रिस्क आप डिटरमाइन करते हो, वो होता है आपका रिस्क असेसमेंट. ठीक, ये देखिए सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो आपके एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगती है, जिससे कि आप ये देख सको कि अभी फिलहाल आपका करंट सिस्टम का, आपका फिलहाल एट द मोमेंट आपकी सिक्योरिटी कैसी है. और ये कोई भी आईटी इनिशिएटिव होता है, उससे पहले उसके स्टार्टिंग में आप जो लगाते हो कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है, क्या है, वो आपका रिस्क होता है. तो रिस्क आपको कोई भी आईटी इनिशिएटिव स्टार्ट होने से पहले है. और सिक्योरिटी ऑडिट क्या है, ऑडिट हमें पता है हमेशा पास्ट डेटा का होता है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उसी का तो आप ऑडिट करोगे. तो ये आपका एग्जिस्टिंग जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑडिट होता है, ये देखने के लिए कि वो आपका फंक्शन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है. देन वी हैव फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड फॉर आईटी ऑडिट. अगर हमें आईटी ऑडिट करना है, उसके लिए कुछ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो लिखी हुई है. क्या क्या? वही सेम ऑब्जेक्टिव्स आपके पास सबसे पहले क्लियर कट होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको पता है कि आप किस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो एंड कैसे आप उसको काम करोगे, तो वो आपका पाथ बहुत ही स्मूथ बना देता है. तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए फॉर, एंड दिस टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर आईटी ऑडिट, इन जनरल कोई भी ऑडिट हम करें तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, एंड जो भी हमारे डाउट्स है वो सब डाउट्स जो है टाइम टू टाइम क्लियर होते जाए. क्लियर एक्शन प्लान्स आप डिटरमाइन करो बेस्ड ऑन द ऑडिट रिजल्ट्स. जो भी आपके ऑडिट के रिजल्ट्स आएंगे उनके बेसिस पे आप किस तरीके से वर्क करोगे, कोई फाइंडिंग्स अगर आपके पास आई है तो उस फाइंडिंग से फिर आप किस तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या एक्शन प्लान लोगे, क्या स्टेप्स लोगे, वो क्लियर कट आपके पास डिफाइंड होने चाहिए. एंड देन वी हैव द सिक्योरिटी ऑडिट सोल्यूशन. सोल्यूशन आपने प्रोवाइड करने. ठीक, देन वी हैव द कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. इसके अंदर बेसिकली अब हम जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ बैंक्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. थोड़े से अभी हम आगे के टॉपिक्स के लिए थोड़े से मिनट हम बैंक्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे, कि आरबीआई ने, अब हमें पता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम भी पूरा
जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईटी ड्रिवन हो चुका है। हमारी नेट बैंकिंग है, हमारे पासवर्ड्स हैं, यूपीआई है, इतनी सारी चीजें आजकल। वैसे भी डिमोनेटाइजेशन के बाद तो एंड स्पेशली कोविड के बाद से तो बहुत ही ज्यादा पेस पे इंक्रीज हो गया ऑनलाइन पेमेंट। पहले फिर भी लोग हेजिटेट करते थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी देर वर पीपल हु वर स्टिल यू नो बिलीविंग ऑन द मंत्रा ऑफ कैश पेमेंट। वो कैश पेमेंट पे ही डिपेंड करते थे और उसी पे बिलीव रखते थे। तो इनिशियली तो काफी ऐसे लोग थे जो कि कैश के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, बट आफ्टर द पेंडेमिक सब कुछ ही चेंज हो गया है। अब हमारे भी जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हमसे भी यू नो एक ऊपर की जनरेशन है, वो सब भी अब ये कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर दे आर मूविंग एंड सब लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। एंड इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं, बट हैविंग सेड दैट इसके अपने कॉन्स भी हैं, जैसे कि आप OTPs हैं या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, फोन हैकिंग्स हैं, तो इससे आपके पैसे जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट हो जाते हैं, तो वो लॉस जो है उसका भी रिस्क बढ़ गया है। तो बैंक्स का भी अब हर काम, मतलब दे नीड टू बी यू नो वेरी केयरफुल एंड वेरी हैव टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस सो एज टू प्रिवेंट ऑल दीज फ्रॉड्स। ये जितने भी फ्रॉड्स हैं ये सबको प्रिवेंट करने के लिए और बैंक के खुद के पूरे फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ हो, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकी भी ऑडिट या फिर ये भी अपना एक यू नो चेक अपने ऊपर लगाते रहे, जिससे कि इनका तो सबसे ज्यादा ही जरूरी है कि फ्रेमवर्क आईटी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि जो सबके पैसे लेके बैठा है उसका खुद का भी नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि फ्रॉड की बिल्कुल ही यू नो हम उसके रिस्क को मिटिगेट कर दें, बिल्कुल जीरो पे ले आए या फिर बिल्कुल नियर अबाउट टू जीरो ले आए, जिससे कि सबका पैसा भी सिक्योर रहे, प्लस एक प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग एक बैंकिंग सिस्टम की जो है वो हमारे कंट्री में चलती रहे। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। आरबीआई एक्सपेक्ट करता है बैंक्स को कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को टाइम टू टाइम असेस करता रहे, टाइम टू टाइम इसीलिए असेस करता रहे बिकॉज अब तो वैसे भी बैंक के ऊपर ये कैशलेस फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन दीज डेज, बिकॉज बैंक्स रिलाइज ऑन हेविली ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। वेरी ट्रू, यही मैंने अभी आपको बताया कि बैंक जो है वो सबसे, मतलब हम लोग इतना ज्यादा बैंक्स वगैरह जो है सब कुछ इतना रिलाई करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे कि अब तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो इज अ मस्ट। हाउ आरबीआई ऑडिट इज परफॉर्म फॉर अ बैंक, बैंक के लिए ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म होती है, वो एक इन डेप्थ टेक्निकल असेसमेंट है, क्योंकि हम बिल्कुल उसको ग्राउंड लेवल से ही अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसकी, तो बिल्कुल ये हमें हर स्टेप को अच्छे से उसके आइडेंटिफाई करना है, उसके हर स्टेप को एनालाइज करना है, तो इसीलिए एक इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस है। इसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट भी कवर्ड होता है, इंक्लूड होता है, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स वगैरह के बारे में भी इसमें हम चेक करते हैं, एविडेंसेस हम चेक करते हैं, प्रूफ्स वगैरह हम चेक करते हैं, और सर्वर्स वगैरह पे भी हम एक चेक लगाते हैं। देन सारे के सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो भी आरबीआई ने ले डाउन करी है कि आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बैंक के पास ये सर्वर होना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो जितने भी आरबीआई ने भी अपने साइड से रेगुलेशंस लगाए हैं बैंक्स के ऊपर, वो भी हमें चेक करना है कि क्या हर चीज एक बैंक फॉलो कर रहा है या नहीं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है आरबीआई ऑडिट रिपोर्ट। इसके अंदर हमारे पास ये है कि किस चीज की रिपोर्ट होगी बेसिकली, अभी जो हमने ऑडिट कंडक्ट किया है तो इन डेट हमने इतनी ऑडिट जो कंडक्ट की है तो उसी की डिटेल एनालिसिस की रिपोर्ट होगी कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, किस तरीके से आपने अपने डेटा को मेंटेन करना था, कौन सी साइबर सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और एक्चुअली में आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने थे, तो वो प्रॉपर एक गैप एनालिसिस की रिपोर्ट आपको निकलेगी, आप मेजर सजेस्ट करोगे और इम्प्रूव करने में हेल्प करोगे उसकी सिक्योरिटी को। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है आरबीआई से आपको कंप्लाई करने के लिए वो बतानी है, और रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी वही वाली बात है कि सारी की सारी डिटेल्स होंगी कि कौन सी टीम कौन सा काम करे। आप इतनी डिटेल में अपनी रिपोर्ट दोगे कि कौन सी टीम कौन सा काम करे, ये भी आप अपनी तरफ से क्रिटिकली एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट्स में रेकमेंड करोगे। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डोमेन्स। हमारे साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से फ्रेमवर्क डोमेन्स है ये देखिए, सारे के सारे जितने भी बेसिकली डोमेन्स, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे।
जैसे हमारे पास ये है आईटी एसेट प्रिवेंटिंग डोमेन है, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट लॉग्स, ऑडिट लॉग की सेटिंग, मेट्रिक्स, फॉरेंसिक, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूजर एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क कस्टमर्स के लिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली वो सारे के सारे ऑडिट डोमेन है। बिकॉज ऑडिट डोमेन का क्या मीनिंग है कि आप कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो जो आप कवर करोगे, तो यू विल कवर ऑल दी एरियाज। अभी हमने पढ़ा कि इन डेप्थ एनालिसिस है ये, और आईटी सिक्योरिटी ऑडिट भी इसी के अंदर आ जाता है। हम सारे डॉक्यूमेंट्स को, हर चीज को भी इसमें ही वेरीफाई करते हैं। तो कस्टमर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, आपके अपनी आईटी एसेट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, आपके ऑडिट लॉग्स की सेटिंग्स के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, आपकी कंज्यूमर एजुकेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, हर चीज आपकी इसमें डोमेन्स में कवर होगी। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, विच इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब इन जनरल या फिर एक बहुत ही सिंपल सा मतलब यही है कि एक ऐसी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करना जो कि हमें साइबर क्राइम्स से बचाए। जो भी हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं ऑनलाइन, जितने भी फ्रॉड हमारे हो सकते हैं, वो सारे के सारे फ्रॉड से हम किस तरीके से बच सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें कि हम वो फ्रॉड से इफेक्ट ना हो, वो ही है साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए जितने भी हमें स्टेप्स लेने होते हैं, जितने भी हमें मेजर्स लेने होते हैं, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। चलिए पढ़ते हैं एक बार। साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मेजर्स। हम मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं किस चीज के लिए, वही सेम बात है, साइबर अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये मेजर्स क्रिएट करते हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन। ये एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है एंड वेरी कॉमन कि किस चीज की ऊपर हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो ये हम सारे मेजर्स ले रहे हैं कि हम अपने आप को फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये हमारी प्रिवेंशन है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में हम यूज करते हैं। ठीक, देन वी हैव जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो क्या मेक श्योर करें कि वो एक सेफ सिक्योरिटी को यूज करें। ठीक, पासवर्ड्स बार बार चेंज करते रहें, अपने ओटीपी किसी को ना दें, थोड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। ठीक है, कोई भी एक अनऑथराइज्ड लिंक्स वगैरह को ना ओपन करें। तो अपनी तरफ से हम प्रिवेंशन के लिए जितने भी दिमाग लगा सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं, वो हम हमेशा ही करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंप्यूटर फोरेंसिक्स का। कंप्यूटर फोरेंसिक्स का मतलब है कि एक बार जैसे आपका कोई फ्रॉड हो गया या कुछ भी हो गया, जैसे तो आपने अब उसी के अगेंस्ट डेटा कलेक्ट करना है। ठीक, कोई भी आपका फ्रॉड हो चुका है या फिर अगर आपने कोई भी फाइंडिंग्स आपको फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फाइंडिंग्स फाइंड कर रहे हो, वो सब चीजें जो है इसमें आएंगी। तो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है ये। ठीक, देखिए इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकवरिंग डेटा। डेटा को रिकवर करना है किसी भी डिवाइस से जिससे कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई भी चीज, कोई भी हमें कोई सबूत इकट्ठा करना है, तो ये वैसा वाला काम है कंप्यूटर फोरेंसिक्स। कोई भी इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद ये काम करना है, क्योंकि सबूत कब इकट्ठा करोगे? जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, जब कांड कर लिया तभी तो फिर उसे वो करोगे। तो इसीलिए ये पहले इंसिडेंट हो चुका है, अब आप उसे कवर करने चाह रहे हो। ठीक, इसका पर्पस हमारा यही पर्पस है इसका कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो, और कोई भी डेटा जो आप ऑलरेडी खो चुके हो उसको रिट्रीव करने में, उसको रिकवर करने में ये आपको हेल्प करे। ठीक, देन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे देखो मैंने बनाया भी है साइबर सिक्योरिटी वर्सेस कंप्यूटर फोरेंसिक्स। ये हमने देखा था साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंशन की बात करता है कि आपको कोई भी क्राइम वगैरह ना हो, क्राइम से बचने के लिए जो भी आप स्टेप्स ले सकते हो, जैसे कि आपने अपने पासवर्ड बार बार चेंज किया, अपने ओटीपी किसी से शेयर नहीं किया, किसी अनऑथराइज लिंक पे आपने क्लिक नहीं किया। ठीक है, देन आपने अपने कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी अननोन सोर्स पे आपने कोई भी अपने पासवर्ड्स वगैरह नहीं डाले, जिससे कि आपके फोन वगैरह को क्लोन करने की कोई भी एक्टिविटी जो है वो आगे हो, तो वो सब प्रिवेंशन की जितनी भी बातें हैं वो आपकी साइबर सिक्योरिटी की बातें, जो कि आपको साइबर अटैक से बचा रही है। और कंप्यूटर फोरेंसिक मतलब ऑलरेडी कांड हो चुका है, तो ये आप अपने डेटा को रिट्रीव करने के लिए आता है और इंफॉर्मेशन एज अ प्रूफ कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं।
देन वी हैव आईटी ऑडिट इन बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से ऑडिट होती है, वो ये जितने भी इंफॉर्मेशन असेट्स हैं वो सारे के सारे सेफगार्ड करना, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखना, सिस्टम के इफेक्टिवली काम करे उसके लिए हेल्प करना, सिस्टम इफिशियंट हो उसके लिए आगे कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए हेल्प करना. ठीक. देन नेक्स्ट वी हैव द स्कोप ऑफ आईएएस ऑडिट. आईएएस ऑडिट का क्या स्कोप है हमारा? तो बेसिकली स्कोप का यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, कंप्यूटराइज्ड डिपार्टमेंट, सारे के सारे इसमें कवर होते हैं. ठीक. डेटा सिक्योरिटी को आप मेंटेन करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हो. ये देखिए एक बार, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अप्रोच. ऑडिट की अप्रोच इसमें बताई गई है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की अप्रोच क्या है. तीन अप्रोचेज हैं इसमें. ठीक. सबसे पहला है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर. ठीक. देन यू हैव ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट करना. पहले तो थी कंप्यूटर के आसपास ऑडिट करना, कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट करना. एंड देन वी हैव ऑडिटिंग विद कंप्यूटर. ये तो कह रहा है कि कंप्यूटर के साथ ही ऑडिट करते हैं. तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है या फिर तीनों का क्या मीनिंग है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. ऑडिटिंग सबसे पहली अप्रोच है आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की, ऑडिटिंग थ्रू द ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर. अराउंड द कंप्यूटर मतलब ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है जो कि बहुत ही डायनामिक या कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस एनवायरमेंट्स में आप यूज नहीं कर पाओगे. ठीक है. इसके अंदर आप क्या करते हो, जितने भी डेटा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हो इस बात पे जो कि आप डेटा डाल रहे हो. तो आप इनपुट पे फोकस करते हो. ठीक. आपका मेन फोकस जो होता है वो इनपुट पे होता है रादर देन आउटपुट. और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा जहां भी होता है वहां पे आप इसे यूज नहीं कर पाओगे. ठीक. देखिए एक बार पढ़ के देखते हैं. इम्फेसिस है इसकी, करेक्टनेस चेक करते हो ऑफ द डेटा कंसर्निंग इनपुट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ प्रोसेसिंग इनवॉल्व. प्रोसेसिंग किस तरीके की थी, क्या था, वो सब पे हमारा फोकस नहीं होता. हमारा मेन फोकस किस पे होता है कि जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है, जो हमने इनपुट डाला है वो कितना करेक्ट है. ठीक. और देन कैनॉट बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. वही बहुत ही सिंपल अप्रोच है, तो इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आप इसको यूज नहीं कर सकते. देन डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम्स एबिलिटी टू कोप विद चेंजेस. सिस्टम जो है वो आपका कितना डायनामिक है, आपका सिस्टम ढंग से हर चीज को, कोई भी फ्यूचर में चेंजेस आए तो वो क्या, इज योर सिस्टम डायनामिक इनफ टू इनकलकेट ऑल द चेंजेस, कोप अप विद ऑल द चेंजेस एंड स्टिल परफॉर्म द बेस्ट. इस बात के लिए ये आपको सिंपल जो ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर अप्रोच है वो नहीं हेल्प करती बताने के लिए. देन हमारे पास नेक्स्ट है ये देखिए, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर्स. इसके अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, हार्डवेयर की. इसका मेन टारगेट जो है वो रहता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे, डेटा पे. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप पूरी वर्किंग समझते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके सिस्टम्स की. ठीक. देन हमारे पास लास्ट क्या था, ऑडिटिंग विद द कंप्यूटर. इसके कंप्यूटर सिस्टम्स और प्रोग्राम्स वगैरह ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स की टेस्टिंग करता है विद द कंप्यूटर. ठीक है. ऑडिटिंग किससे कर रहे हो, विद द कंप्यूटर कर रहे हो. तो ऑडिटिंग कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स हैं, कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन सबको क्रिटिकल एग्जामिनेशन ये करता है. कहाँ पे यूज करा जाता है, जहाँ पे लॉजिक जो है सिस्टम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो. विजिबल ट्रायल्स में और गैप्स आप देख सकते हो, और इनपुट्स बहुत ही ज़्यादा है. अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम जनरली ये वाली सारी ऑडिटिंग करने के लिए. देन हमारे पास आता है ऑडिट मेथोडोलॉजी. इसमें हमारे पास है एक स्मूथ ऑडिट हो उसके लिए हमें 5 स्टेप्स हैं. कौन कौन से, ये देखिए. आप ऑडिट सबसे पहले वही प्लान करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करोगे, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस करोगे, बैलेंसेस का टेस्ट करोगे, और आपकी ऑडिट कंप्लीट करोगे, अपनी फैक्ट फाइंडिंग्स दोगे, अपने सारे के सारे सजेशंस जो भी हैं वो दोगे. एक बार इनको सबको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं. मैंने यहाँ पे सबके बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा, कि एक बार ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है. एंड ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा,
चलिए सबसे पहले है प्लानिंग एंड आईएएस ऑडिट। ऑडिट को इन प्लान करना, प्लान करने में सबसे पहला ही स्टेप है, आप इस तरीके से प्लान करते हो कि आप अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाओ। ऑडिटी डिपार्टमेंट जहाँ का हम ऑडिट कर रहे हैं वो हमारा होता है ऑडिटी। जो ऑडिट कर रहा है वो है ऑडिटर, जो ऑडिट जिसकी ऑडिट कर रहा है या फिर जो करवा रहा है वो है ऑडिटी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लेते हो अच्छे से, ठीक है। रिस्क एनालिसिस करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ पे हाईएस्ट रिस्क है, और आप जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे के सारे आप पहले ही अंडरस्टैंड कर लोगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह हर भी चीज, जो भी चीज़ होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की, आप किस तरीके से ऑडिट करो कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाए, ये सब जो हम बेसिकली जो एक प्री प्लानिंग वाला फेज होता है, वो सारे के सारे काम जितने भी हम पहले से करके रखते हैं कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करके रख लें, उसके इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लें, अपने ऑब्जेक्टिव इस तरीके से सेट करें कि हमारे जो मेन ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए, इस तरीके से हम अपनी प्लानिंग करें, तो वो हर चीज जो है वो आपके प्लानिंग फेज में आएगी। देन वी हैव टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या है, आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हो कि कैसे हैं इंटरनल कंट्रोल्स आपके, ठीक है, कितने इफेक्टिव हैं वो। मैनेजमेंट कंट्रोल्स देखते हो, एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखते हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम जो जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करें, कंट्रोल्स देख रहे हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि कंट्रोल्स की क्या रिलायबिलिटी है, और ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे ऑडिट के हैं उसको मीट करने में कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इसीलिए करते हैं कि हमें ये पता लगे कि फिलहाल हम कितने रिलायबल हैं, हमारे कंट्रोल्स कितना हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, कितना उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये फाइंड आउट करें कि क्या वीकनेसेस हमारी हैं। देन हमारे पास आता है द थर्ड स्टेप, विच इज ये बस आप यहाँ पे मैंने नोट्स में जितना दिया है आप बस उतना ही याद रखें, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, सो डोंट वरी कि ये कहीं ये कम तो नहीं है, डोंट वरी, ये जितना है उतना ही अगर आपको याद रह जाए तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर आप आराम से ये क्रैक कर सकते हो। टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें आप ये देखते हो कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हुई है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, आपने किस तरीके से अपने ट्रांजेक्शन इफेक्टिव या एफिशिएंटली हैंडल करे हैं या नहीं, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आप ये देखो कि डेटा की इंटेग्रिटी क्या है। डेटा की इंटेग्रिटी को आपने एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है, जिसके लिए आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखते थे, कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो कोई भी ट्रांजेक्शन होते हुए नहीं हुई, ठीक। देन हमारे पास आता है फोर्थ, विच इज ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। इसका मतलब है कि जितना भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह हुआ है उसके बेसिस पे हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे, जिससे कि हम अपने डेटा की इंटेग्रिटी को भी कर सकें मेंटेन, हम अपने एसेट्स को भी सेफगार्ड कर सकें। जो भी टेस्ट कंडक्ट हमने करे हैं वो सब के सब जो हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, और इस स्टेप के अंदर टेस्ट ऑफ बैलेंसेज में, क्योंकि हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के उस पर अपने फैक्ट फाइंडिंग्स दे रहे हैं, इसीलिए हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ सकती है, ठीक, कंप्यूटर सपोर्ट हमें इसमें चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा बहुत लग रहा है कि बहुत लोग ये वीडियो को देख के बोर होने वाले हैं, क्योंकि उनको लगने वाला कि इतने सारे ऑडिट है, आईटी कंप्लीशन ऑडिट, आरबीआई ऑडिट, ये ऑडिट वो ऑडिट, ये सब पेपर में आएगा भी या नहीं, तो पेपर में क्या आएगा ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट हमें इतना जरूर पता है कि हमारे न्यू स्टडी मटेरियल में ये सब चीज़ें दी गई हैं, और अगर हम अपने मटेरियल को ही अच्छे से नहीं करके जाएंगे तो फिर हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। बट नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉस्ट ऑडिट इज वन सच सब्जेक्ट वेर यू कैन ईजीली स्कोर एन एग्जेम्पशन, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू यू नो मेक योर सेट ऑफ फॉर द वीकर सब्जेक्ट्स। आपके वीकर सब्जेक्ट्स के लिए आपको सेट ऑफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, 60+ आप इसके अंदर आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ो, विद नॉट सो मच आवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू इन योर FR और एनी अदर सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। आपका जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन है, उन सब में आपको जितने आवर्स डिवोट करने चाहिए
ऑन अ डेली बेसिस, उसके बाद भी आपके क्या मार्क्स हैं क्या नहीं, यू कैन नॉट गारंटी, ऑल्दो यू कैन नॉट गारंटी इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, बट स्टिल अगर आप उनसे तो थोड़े कम आवर्स ही दोगे, बट इफ यू प्रैक्टिस थिंग्स एवरी डे, हर दिन आप 2 आवर्स अगर इस सब्जेक्ट को दे रहे हो, एंड देन ऑब्वियसली जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो जब आप अपने टाइम टेबल को पोर्शन करोगे तो फिर अच्छे से हर चीज रिवाइज करोगे, देन यू कैन इजिली ट्राई एंड अचीव एन एग्जेम्पशन इन दिस सब्जेक्ट. सो मेक श्योर कि कोई चीज आपको कितनी भी बोरिंग लग रही है, कोई चीज आपको कितनी भी अच्छी लग रही है, करनी तो आपने सब है, क्योंकि आपने ही अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो सब कुछ सेट ऑफ करने के लिए आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए जहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी बने ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ. एंड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट्स ऑल लाइक यू नो, इफ यू नो इट यू कैन गेट इट, बट नो मैटर हाउ हार्ड यू प्रैक्टिस, इफ एनी ऑफ द एडजस्टमेंट्स कम्स इन योर वे इन सच अ वे दैट यू नो यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट, देन इट्स अ कंप्लीट जीरो. कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट आ गए आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो कि आपको नहीं आती, फर्स्ट टाइम आपने देखे, देन एट द जीरो लेवल ओनली, बट हियर यू नो दैट द सिलेबस इज दिस, यू नीड टू स्टडी दिस एंड यू कैन गेट मार्क्स. इट्स नॉट दैट द सिलेबस इज दिस, यू नीड टू स्टडी दिस एंड देन मार्क्स तब भी नहीं आ रहे. सो मेक श्योर कि आप इतना आपका सिलेबस है इतना ही आप उसे पढ़ें, उसमें से भी आप कुछ यू नो छानबीन ना करें, बट हाँ जो चीज़ आपको लेस इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में भी बताया कि इसमें से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो जो भी थोड़े ऐसे डाइसी वाले चैप्टर्स हैं उनको सिर्फ आप रिविजन लेक्चर से ही गो थ्रू कर लो, एंड ये नोट्स पढ़ लो, ये नोट्स आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही है, स्कैनर तो आप करोगे पिछले कुछ सालों का, जिससे कि आपको ये पता लगे कि क्या एग्जाम में आया था क्या नहीं आया था, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से थोड़ी सी अपने ऊपर प्रैक्टिस भी बनती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है, बट साइमल्टेनियसली आप ये नोट्स कर लोगे तो दे आर मोर देन इनफ. एंड नोट्स के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे लिंक में जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आपको उस पर मुझे व्हाट्सअप करना है एंड आपने बस ये बोलना है कि मैम इस चैप्टर के नोट्स दे दीजिए, आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट. एंड ये जो बीच में सेशन के मोटिवेशन दिया है मैंने आपको कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये सब मतलब बिल्कुल भी झूठ नहीं है, इट्स ट्रू. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडीज. कंप्लीशन ऑफ ऑडिट हमारा जो फिफ्थ स्टेप था, उसमें बेसिकली ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, आप अपने सारे के सारे फैक्ट फाइंडिंग्स जितनी भी होती है पूरे प्रोसेस में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो भी करी है अभी आपने ऊपर, जिसमें आपको कंप्यूटर्स की भी जरूरत पड़ी थी, जिसमें आपने अपना IT सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया था, हर चीज जब भी आपने चेक की थी वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना ओपिनियन फॉर्म करना है. कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, किस वजह से है, क्या है, सब चीजें आपने जो है वहां पे लिख के देनी है. वर्क पेपर्स जो भी यूज हुए हैं उनको आप क्लियरली अपने पास रखोगे, ठीक. देन ये कुछ बेसिक सी बात है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट का, हमें अपने एसेट्स को सेफगार्ड करना है, डेटा के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है, डेटा हमारा कंट्रोल रहे, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव रहे, कोई भी फ्रॉड्स वगैरह से हम बचे, हमारे पास डेटा का बैकअप हो, हम डेटा को रिस्टोर कर सकें एंड एवरीथिंग लाइक दैट. इन सिस्टम हमारा एफिशिएंट हो, ऑर्गेनाइजेशन की हमारी इफेक्टिवनेस बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े. देन ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में 2 केस स्टडीज थी, केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2. ये केस स्टडीज मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, आप चाहे तो एक बार इन केस स्टडीज को भी अच्छे से गो थ्रू करके पढ़ सकते हैं. एंड इतने सारे मोटिवेशन और इतनी सारी हमने थ्योरी की बातें पढ़ पढ़ के फाइनली द चैप्टर कम्स टू एन एंड. एंड आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, कॉमेंट से मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, एंड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उन्हें भी लगे. एंड जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वहीं पे हैंड टू हैंड दे दूंगी, जिसमें कि आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जितनी भी आपकी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी आपको CMA से रिलेटेड ऑल ओवर जितनी भी अपडेट्स हैं सब की सब आपको मिलती रहेंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड यस आई होप दैट यू रिवाइज द चैप्टर इन यू नो अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिससे कि आपका टाइम भी कम से कम वेस्ट हुआ एंड आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने में एक स्टेप और आगे बढ़े. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू, एंड लाइक आई ऑलवेज से आई एम जस्ट अ मैसेज अवे. बाय बाय.